नमस्कार दोस्तों, हम लगातार महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच है डेरा सच्चा सौदा का। लगातार हमारी कोशिश है कि हम असली सच डेरा का रियल फैक्ट आपके सामने लेके आए। नमस्कार मैम, आपका नाम? जी शीतल। आप कितने समय से डेरा से जुड़ी हुई? बचपन से जुड़े हुए हैं हम तो। आप बचपन से डेरा से जुड़ी हुई हैं, बीइंग गर्ल कैसा फील करते हो यहाँ पे? एज ए गर्ल आई फील वेरी सेफ्टी इन दिस डेरा सच्चा सौदा। लड़की होने के बावजूद भी मेरे माँ बाप ने इतनी खुल दे रखे कि आप डेरा सच्चा सौदा जाएँ, उसे देखें, उसे महसूस करें कि वहाँ कैसा लग रहा है। ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर आके सुकून महसूस होता है बहुत। तो क्या आप आज आपका विश्वास कितना है? बिल्कुल बरकरार है, पहले की तरह अच्छा फील करते हैं यहाँ पर। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आज आपका विश्वास पहले की तरह बरकरार है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके बस पिताजी की मेहर है कि हमारा यहाँ पर विश्वास बना रहा है, पिताजी की के कारण हो रहा है बस सब कुछ। अगर बात की जाए लड़कियों को लेके, तो लड़कियों के लिए क्या किया है गुरुजी ने? बहुत सब कुछ, लड़कियों को बहुत सब कुछ सिखाते हैं पिताजी की आत्मविश्वास बनाए रखें, अपनी सेफ्टी खुद करें। बहुत सारे क्लासेस चलाई है पिताजी ने, जूडो क्लासेस देते हैं, बिल्कुल पिताजी उनको प्रैक्टिस करवाते हैं कि ऐसे ऐसे अपनी सेफ्टी रखें, ऐसे सेफ्टी रखें। बहुत सारी चीज़ें चलाई हैं पिताजी ने गर्ल्स को अपनी सेफ्टी को लेकर। तो क्या आप आगे भी डेरा से जुड़ी रहेंगी? जी बिल्कुल। आपके परिवार के कितने सदस्य डेरा से जुड़े? जी सभी, सारा परिवार जुड़ा हुआ है मेरा डेरा सच्चा सौदा से। तो क्या आज भी आपका विश्वास जो का त्यों है? जी बिल्कुल। आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हो? मेरी सरकार से कोई अपील नहीं है, बस अपील तो मेरे पिताजी से कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ आकर सब कुछ संभाले पहले की तरह। आप अपनी वीडियो द्वारा क्या मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहते हो? मैं लोगों के पास ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि वे डेरा सच्चा सौदा के साथ अपना विश्वास बिल्कुल बरकरार रखे, पहले की तरह यहाँ आए और सत्संग सुने और पिताजी के वचनों पर अमल करें। जी मैम।